हाय गाइस, टेक स्टूडेंट का एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो में मैं करने वाला हूं रेडमी नोट 7S का अनबॉक्सिंग। मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोग इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग ऑलरेडी देख चुके होंगे। इस बार मैं अपने स्टाइल में इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अगर आप देख लिया है तो एक बार फिर से देख लेना, आपको कैसा लगा कि बता देना नीचे कॉमेंट्स में। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बाद में देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इस बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें को एक और अंदर रैपर देखने को मिलता है, जो कि है एक प्रोडक्शन कवर। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद आपको अंदर आपका रिटेल यूनिट देखने को मिलता है, देख लीजिएगा। ये रहा हमारा Redmi Note 7S। ये मुझे Flipkart के दिवाली सेल में परचेस किया है। इस फोन के मेन हाइलाइट्स को बॉक्स के बैक साइड मेंशन किया गया है, जो कि है आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरास देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिलता है और आपको इसमें 6.3 इंचेस का फुल HD एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि IPS LCD पैनल है। और साथ में आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकता है। बॉक्स के साइड्स पर Redmi Note 7S का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। इस वाले साइड पर भी Redmi Note 7S का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। और बॉक्स के फ्रंट साइड पर तो इंडियास नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi देखने को मिलता है। और चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं एक बार देख लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड वाले सील्स को एक बार ब्रेक कर लेते हैं। और ब्रेक करने के बाद आपको इस वाले को भी ब्रेक कर दूंगा। चलिए अब ओपन करके दिखा देता हूं आपको इसके अंदर अभी हमें क्या कुछ कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। बॉक्स तो बहुत मजबूत है। और बॉक्स को ओपन करते ही आपको ऊपर एक पाउच देखने को मिलता है, जो कि इसके अंदर आपको पाउच कुछ पेपर गाइड वगैरह देखने को मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं, इसमें देख लीजिएगा, जो कि हम आपको एक मैनुअल गाइड देखने को मिलता है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं पढ़ेंगे। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इस वाले पेपर को, जो कि इस फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इसमें लिखा हुआ रहेगा। अब ये रहा हमारा टिपिकल पाउच, जो कि स्टैंडर्ड लेवल का एक केस देखने को मिलता है, जो कि आपका फ़ोन का सुरक्षा रहने के लिए है। चलिए इसे साइड पे रख देता हूँ। अब देख लेते हैं हमारा स्मार्टफोन की तरफ। ये रहा हमारा स्मार्टफोन, बहुत ही शानदार प्रीमियम ग्लास डिज़ाइन के साथ ये वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। इसे साइड पे रख देता हूँ एक बार और अंदर अभी हमें क्या कुछ देखने को मिलता है एक बार चेक कर लेता हूँ। अंदर हमें एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि Xiaomi का मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। आपको 9000 के प्राइस रेंज में भी एक टाइप सी पोर्ट वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है Redmi की तरफ। इस वाली ब्रांड बहुत अच्छी ब्रांड है। आपको अगर आप चीप एंड बेस्ट में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपके लिए Xiaomi हमेशा अच्छा ब्रांड रहेगा। अगर आप मिड रेंज और बजट रेंज में देखेंगे तो आपके लिए Xiaomi के स्मार्टफोन ही बहुत ही वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल सकते हैं। ये आपके पैसे को पिन टू पिन वैल्यू देगा आपको, जो कि हमें एक टाइप सी वाला अडाप्टर भी देखने को मिलता है, देख लीजिएगा। ये रहा हमारा अडाप्टर। इसका आउटपुट है 5 वाट्स 2 एम्पियर्स का आउटपुट इसमें देखने को मिलता है। और इस अडाप्टर को साइड पर रख दूंगा और हमारा हैंडसेट को एक बार हैंड में ले लूँगा। और बहुत ही प्रीमियम लुक आपको हाथ में बहुत ही अच्छा ग्रिप देखने को मिलता है। अगर आपके हाथ मीडियम साइज भी रहेंगे मेरे जैसे तो आपको तुम आपके हाथों में परफेक्टली फिट हो जाएगा। इसका डिज़ाइन तो क्या कहना, आपको
बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही मस्त डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको बैक एंड फ्रंट, आपको बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। और मैं इस रैपर को हटा देता हूँ और देख लेता हूँ इसका डिस्प्ले। इसमें तो हमें एक शानदार डिस्प्ले देखने को मिलती है जो IPS LCD पैनल है। आपको इस रेंज में फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रही है आपको Redmi, जो कि मोस्ट ऑफ दी पीपल स्मार्टफोन्स आपको इस प्राइस रेंज में HD वाला डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। अगर आप बैंक कार्ड के ऑफर्स वगैरह लगा देंगे तो आपको इसमें और सस्ता भी ये स्मार्टफोन आपको पड़ेगा। देखिएगा आपको बैक साइड ग्लॉसी डिज़ाइन देखने को मिलता है, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है। आपको हाथ में होल्ड करते वक्त भी आपको नहीं कहवाएगा कि ये एक 9000 का स्मार्टफोन है, आपको एक 15000 का अबोव आपको प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का डिज़ाइन आपको बैक साइड देखने को मिलता है और साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स और पावर लॉकर की देखने को मिलती है। देखिएगा आपको ऊपर साइड आपको 3.5 में ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है और बैक साइड डुअल रियर कैमरा, जो कैमरा बम्प है और जो कुछ आपको थोड़ा बाहर निकल के है आप देख सकते हैं, जो इसमें यूज़ किया गया है 48 मेगापिक्सल का सेंसर वो सैमसंग का सेंसर है। बैक साइड आपको एक माइक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल सकता है। अब चलिए इस वाले स्मार्टफोन को फटाफट एक बार ऑन कर लेता हूँ और आपके सारे सेटिंग्स को कंप्लीट करके आपको एक बार इसके सेटिंग्स के बारे में एक बार दिखा देता हूँ आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और फाइनली सारे सेटिंग्स को कंप्लीट किया है और आपको अब सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। चलिए एक बार सेटिंग्स में जाते हैं। अबाउट फोन आपको फिलहाल के लिए ये रहा, फिलहाल के लिए एंड्रॉयड 9.0 एंड्रॉयड पाई पर रन हो रहा है। आपको बहुत ही जल्दी आपको इसमें एंड्रॉयड क्यू की अपडेट भी देखने को मिलता है। चलिए अब बारी आ गया है इस फ़ोन का मेन हाईलाइट फीचर, इस फ़ोन का कैमरा के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरास देखने को मिलते हैं। जो 48 मेगापिक्सल है वो सैमसंग का सेंसर है। आपको इस फ़ोन से बढ़िया पिक्स देखने को मिलते हैं। आपको डिटेलिंग वाइज भी आपको इस फ़ोन में दिखा देता हूँ। आपको देखिएगा आपको बढ़िया डिटेल्स देखने को मिलते हैं। आपके रेफरेंस के लिए कुछ सैंपल्स आपके स्क्रीन का पर डाल दूंगा, आप देख लेके खुद ही जज कर लेना। इस वाले स्मार्टफोन से आपको कुछ ऐसे पिक्स देखने को मिलते हैं। इसका मेन कैमरा है, उससे आप बढ़िया पिक्स काट सकते हैं। इस वाले प्राइस रेंज पर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा ये वाला स्मार्टफोन, जो कि आप आपके स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हैं। यू ऑल गाइस बी अ जज। अब इस फोन का ऑडियो टेस्ट भी आपको एक बार सुना देता हूँ ताकि आप इस फोन का ऑडियो को भी एक बार जज कर सके। आपको किसी एक सॉन्ग को प्ले करके दिखा देता हूँ, खुद ही जज कर लेना इस फोन का ऑडियो कैसा देखने को मिलता है आप सबको। चलिए ये वाला सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। और चलिए आपको इस वाले स्मार्टफोन का ऑडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना, मुझे तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही बहुत ही अच्छा लगा।
और फाइनली आपको इस फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में एक बार बता देता हूँ। इस वाले स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है और फ्रंट साइड आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और बैक साइड 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमराज देखने को मिलते हैं। जो मेन कैमरा है एक सैमसंग का सेंसर है और साथ ही आपको इस वाले स्मार्टफोन में 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। साथ इस फ़ोन में आपको फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।